सम कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लिया जाए फंक्शन पर, डोमेन निकालने में इसका यूज़ होता है। अगर फंक्शन 1/fx के फॉर्म का होगा तो डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, सो fx शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर फंक्शन इवन रूट के अंदर होगा, देखिए यहाँ रूट अंडर fx है और ये डेनोमिनेटर में भी है, तो fx रूट अंडर अगर इवन रूट के अंदर है तो fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बट चूंकि ये डेनोमिनेटर में है इसलिए इक्वलिटी का साइन यहाँ नहीं होगा। log fx बेस gx, तो यहाँ fx शुड बी ग्रेटर देन जीरो और जो gx बेस है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और gx नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। अब हम डोमेन पे कुछ प्रॉब्लम्स देख लें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू। तो ये एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्लियर है। सो एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसको हम नंबर लाइन से अगर सॉल्व करें तो माइनस वन, ये जहाँ जहाँ जीरोस, जो इसका जीरोस है, जो नंबर लाइन का मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ माइनस वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री, और ये थ्री के आगे पॉजिटिव और माइनस वन से टू के बीच में पॉजिटिव। माइनस वन को इंक्लूड करेंगे, टू को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और थ्री को इंक्लूड करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में है। सो आंसर इज एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस वन टू टू, माइनस वन इंक्लूडेड टू एक्सक्लूडेड, यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, थ्री इंक्लूडेड, इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, सो ओपन ब्रैकेट में। नेक्स्ट इज लॉग एक्स माइनस फाइव बेस सेवन माइनस एक्स। सो हम लोग देखे हैं कि लॉग एफ एक्स बाई बेस जी एक्स रहे तो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बेस दैट इज सेवन माइनस एक्स ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सो ग्रेटर देन जीरो, और बेस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, सो सेवन माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन। ये तीन इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट से आ गया एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो फाइव, सो वन। सेकेंड आ जाएगा x लेस देन सेवन, ये टू, और ये हुआ कि x सिक्स ना हो, बाकी कोई भी रियल नंबर हो। तो फर्स्ट को हम लिए हैं, तो फर्स्ट कह रहा है पाँच से बड़ा, तो ये फर्स्ट वाला है, पाँच को एक्सक्लूड करते हुए इससे बड़ा इन्फिनिटी तक। सेकेंड कह रहा है सात से छोटा और एक्सक्लूड करते हुए, तो ये सेकेंड सात से एक्सक्लूड करते हुए सात को इससे छोटा माइनस इन्फिनिटी तक। थर्ड कह रहा है सिक्स को छोड़ दीजिए, बाकी सब ऑल रियल नंबर, ये थर्ड है। जहाँ तीनों लाइन नजर आए, तो तीनों लाइन कहाँ नजर आ रहा है, पाँच से सात के बीच, केवल छः को छोड़कर, तो पाँच ओपन इंटरवल में, छः को छोड़ देना है तो छः को ओपन इंटरवल में, फिर छः से शुरू करना है ओपन इंटरवल, और सात तक, सात भी ओपन इंटरवल में, क्लियर है। नेक्स्ट इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू साइन एक्स माइनस वन, एक्स एलिमेंट है जीरो से टू पाई के बीच, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो टू साइन एक्स माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू हाफ, और जीरो से टू पाई के बीच साइन एक्स हाफ केवल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज पाई बाई सिक्स पर, और सेकेंड क्वाड्रेंट में दैट इज फाइव पाई बाई सिक्स पर। सो डोमेन क्या हो जाएगा, जीरो से टू पाई, जो एक्स का यहाँ रेंज फिक्स कर दिया गया है डोमेन, उसमें से इन दो वैल्यूज को घटा दीजिए, पाई बाई सिक्स, पाई पाई बाई सिक्स। नेक्स्ट इज अंडर रूट एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। तो हमको क्या निकालना होगा, इसका डोमेन निकालना होगा डी वन होगा, इसका डोमेन निकालना होगा डी टू, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना होगा। तो ये एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट है तो एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको नंबर लाइन से हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस दो से को इंक्लूड करेंगे क्योंकि माइनस दो यहाँ है न्यूमरेटर में, दो को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि डेनोमिनेटर में है, और ये नंबर लाइन से सॉल्व होगा तो दो से बड़ा और माइनस दो से छोटा। सो फर्स्ट आया हमारा एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, माइनस टू इंक्लूडेड एंड टू टू इन्फिनिटी वेयर टू एक्सक्लूडेड, और इन्फिनिटी भी एक्सक्लूडेड।
सेकेंड वाले में भी एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट है, तो 1 माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। सो दो वैल्यू मिला एक्स का, एक माइनस वन और वन, तो माइनस वन और वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये कब होना होगा, माइनस वन से वन के बीच में एक्स रहेगा तब। सो सेकेंड आया, एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस वन टू वन, माइनस वन एक्सक्लूडेड एंड वन इंक्लूडेड। हमारे आंसर के लिए दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, तो हम पहला प्लॉट किए माइनस दो से छोटा और दो से बड़ा, दूसरा कह रहा है माइनस एक से एक के बीच में, दोनों लाइन कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं। सो एक्स इज एलिमेंट ऑफ फाइव, देर इज नो रियल वैल्यू जिसके लिए जो इसका डोमेन हो, क्लियर है। नेक्स्ट इज एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट लॉग फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर बेस टू। सो एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो लॉग फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्लियर है। और ये एक्सप्रेशन, ये जो है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो कब हो रहा है, जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन जीरो होगा, यानी x जो होगा वो जीरो से पाँच के बीच होगा, क्लियर है। जरा इधर देखें आप, सो ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, सो एक्स इन बिटवीन माइनस वन टू फोर, सो आंसर क्या होगा, ये इसी के अंदर है, सो आंसर इज एक्स इज एलिमेंट ऑफ वन टू फोर, क्लियर है। नेक्स्ट इज एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट लॉग हाफ बेस में फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, सो दिस लॉग बेस हाफ हो गया, फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट है। एंड सेकेंड थिंग कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि x का रोल यही प्ले कर रहा है लॉग में। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम लोग देख चुके हैं x कहाँ से कहाँ के बीच आता है, जीरो से लेकर पाँच के बीच, लास्ट क्वेश्चन में भी देखे हैं। अब ये चूंकि ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो वाले को तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लिए, अब इसको लेस देन जीरो, इसको ये जो इस पार्ट में है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा सिंप्लीफाई होकर के एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा एक से छोटा और चार से बड़ा, तो पहला वाला मिला जीरो से पाँच के बीच, दूसरा वाला मिला एक से छोटा चार से बड़ा। नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो एक से छोटा चार से बड़ा ये दूसरा, और पहला क्या बोल रहा है, जीरो से लेकर पाँच के बीच, दोनों लाइन कहाँ नजर आ रहा है, जीरो से लेकर एक के बीच, जीरो पे एक्सक्लूडेड एक पे इंक्लूडेड, और फिर चार से लेकर पाँच के बीच, चार पे इंक्लूडेड पाँच पे एक्सक्लूडेड। सो आंसर इज एक्स इज एलिमेंट ऑफ जीरो टू वन, वन इंक्लूडेड जीरो एक्सक्लूडेड, फोर टू फाइव यूनियन फोर टू फाइव, फोर इंक्लूडेड फाइव एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट इज लॉग एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थर्टीन बेस में टू बॉक्स एक्स माइनस थ्री, इसका डोमेन निकालना है, तो ये शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थर्टीन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ए पॉजिटिव है और डी जो है वो निगेटिव है, सो एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट जो बेस है दैट इज टू बॉक्स एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड टू बॉक्स एक्स माइनस थ्री शुड नॉट बी इक्वल टू वन, सो बॉक्स एक्स ग्रेटर देन थ्री बाई टू पहला से आया दूसरे वाले से,
तो ये क्या दे देगा, ये कब होगा, ये कब पॉसिबल है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। सो सेकंड आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और थर्ड से क्या मिल रहा है, बॉक्स x नॉट इक्वल टू 2, दैट इज बॉक्स जो x हो वो 2 से लेकर 3 के बीच ना हो, 2 को इंक्लूड भी ना करे और 3 को x इंक्लूड कर सकता है, ये हुआ तीसरा। तीनों को यहां प्लॉट करें क्योंकि हमारा आंसर आएगा 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। 1 हमको दिया ऑल रियल नंबर, 2 हमको क्या दिया, 2 हमको दे दिया यहां 2 से बड़ा, 2 को इंक्लूड करते हुए इससे बड़ा। 3 बोला कि माइनस इन्फिनिटी तक 2 तक आइए, 2 को इंक्लूड मत कीजिए, और 3 को इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी तक जाइए, इसके बीच में मत रहिए। तो जहां तीनों लाइन नजर आ रहा है, तीनों लाइन कहां नजर आ रहा है, 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच। सो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका डोमेन निकालना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई एक्स, बट ऑब्वियस है एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये कट के 1 हो जाएगा। सो डोमेन इज ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर माइनस 0। सेकेंड इज log 2 बेस x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। यहाँ क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो माइनस 3 से छोटा और 2 से बड़ा, ये आया पहला। ये एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 9 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। x कहां से कहां के बीच में, माइनस 3 से 3 के बीच में, तो दूसरा आया माइनस 3 से 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, तो पहला वाला कह रहा है 3 से छोटा 2 से बड़ा, ये कहा माइनस 3 से लेकर, सॉरी पहला कह रहा है माइनस 3 से छोटा और 2 से बड़ा, दोनों जगह एक्सक्लूडेड। ये कह रहा है माइनस 3 से 3, दोनों जगह इंक्लूडेड। जहां दोनों लाइन नजर आए, कहां से कहां आया, 2 से लेकर 3 के बीच, सो 2 पे ओपन और 3 पे क्लोज। क्लियर है? नेक्स्ट इज एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट कॉस कॉस एक्स प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। तो हमको इसका डोमेन निकालना होगा, फिर इसका डोमेन निकालना होगा, फिर इसका डोमेन निकालना होगा, और तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। क्लियर है? तो हम जब इसका डोमेन निकालेंगे तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेनोमिनेटर में है और इवन रूट के अंदर है, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ये एंट्री कहां से कहां के बीच आया, ये कॉस एक्स जो होगा ये माइनस 1 से 1 के बीच होगा, और ये लगभग लगभग होता है 57 डिग्री, 1 का वैल्यू, तो माइनस 57 डिग्री से 57 डिग्री के बीच, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट से लेकर ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका माइनस 57 डिग्री, और यहां से लेके ये 57 डिग्री तक। क्लियर है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट में भी कॉस पॉजिटिव, सो यहां पर जो भी एंट्री होगा इसके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। सो एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, पहला वाला से। दूसरा एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट है, तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 4x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, सो 2x प्लस पाई इंटू 2x माइनस पाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, सो x शुड बी इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये हुआ आपका सेकेंड। थर्ड, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर माइनस एक्स है, ये डिनोमिनेटर में है, ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब हो जाता है ये, जब जब ये इंटीजर होगा, तो x इज रियल नंबर माइनस इंटीजर। ये तीनों का इंटरसेक्शन हम ले, तो हमको करना क्या है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच जो भी इंटीजर आएगा उसको हटा दे। सो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को क्लोज इंटरवल में हटा देना है 0 माइनस 1 एंड 1 को। क्लियर है? नेक्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10 इंटू ln स्क्वायर x माइनस 3।
तो ये एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन जीरो कर दिया, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन थ्री, और ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको हटाओ। क्लियर है? देखो ये इसको ग्रेटर देन जीरो होना है, कंडीशन लग चुका है एक्स ग्रेटर देन थ्री, और ये जो है दो केस में हम डिस्कस करें, एक ग्रेटर देन जीरो और एक इक्वलिटी वाले को अलग से। क्यों अलग से कर रहे हैं? क्योंकि सीधे यहाँ हटा देते तो गड़बड़ होता, इसको हटाएंगे अभी हम लोग एल एन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री को। तो ग्रेटर देन जीरो वाले में ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको हटा दो, बच जाएगा इतना शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सो एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इंटरेस्ट तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा, ये इस केस के अंदर सॉल्व हो रहा है x ग्रेटर देन 3 के अंदर, तो x ग्रेटर देन 3 ये हुआ हमारा a, ये सॉल्यूशन दिया माइनस दो से छोटा और 5 से बड़ा, जहां a और 1 का इंटरसेक्शन मिले, कहां मिलेगा? 5 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 5 से इन्फिनिटी। क्लियर है? अब यहां दिस शुड बी जीरो, कह रहा था इक्वल टू जीरो, तो इक्वलिटी वाले को जरा हम लोग डील कर लें। ये जीरो कब हो सकता है? या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। तो ये अगर जीरो होता है तो x को वहां चाहिए माइनस टू और फाइव, और ये जीरो होगा जब x माइनस थ्री हो जाएगा वन, यानी x फोर। हमारा सोल्यूशन है फाइव से लेके इन्फिनिटी के बीच, तो ये फाइव से इन्फिनिटी के बीच दिख रहा है, फाइव जो है इसको इंक्लूड करना होगा और इसको इंक्लूड करना होगा, क्योंकि जीरो यहां पर हो रहा है ये वाला, माइनस दो तो हमारे इस इंटरवल में है ही नहीं, तो फाइव पे क्लोज इंटरवल लगा दिए और चार को यूनियन करके इंक्लूड कर लिए सोल्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस फाइव टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय सेवन टू द पावर माइनस एक्स बाय माइनस सेवन अंडर रूट में। तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई किए, इसको 1 बाई सेवन एक्स कर लिए, तो 1 बाई सेवन एक्स करोगे और एलसीएम लोगे तो 1 माइनस फाइव एक्स, नीचे से 7 एक्स ऊपर चला जाएगा और यहां क्या मिल जाएगा 7 एक्स प्लस 1, 7 पे पावर x प्लस 1। क्लियर है? सो ये कुछ भी ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव ये वाला, तो इसको हटा दो, इसको हटाया तो बचा 1 माइनस फाइव टू द पावर x बाई 1 माइनस 7 टू द पावर x प्लस 1, माइनस 1 से ऊपर नीचे कॉमन लिए तो आ गया 5 टू द पावर x माइनस 1, 7 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कहां पर 0 होगा? ये वाला और ये वाला, यहां से x जब 0 हो जाए और यहां से ये 1 होना चाहिए, तो यहां से x जब 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहां कब होगा? जब x प्लस 1 0 होगा तब, यानी x माइनस 1 होगा तब, तो माइनस 1 से छोटा और 0 से बड़ा। क्लियर है? तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और जीरो से इन्फिनिटी। जीरो को इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, और माइनस वन को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। क्लियर है? नेक्स्ट इज इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज ए टू बी, then to find the domain of function f of gx, use gx in between a to b। कह रहा है कि अगर एफ एक्स का डोमेन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल a टू b, एफ एक्स का डोमेन दिया हुआ है यानी x का वैल्यू दिया हुआ है, x का रेंज दिया हुआ है a टू b, तो f ऑफ जी एक्स का अगर हमको डोमेन निकालना है तो gx एक्स कहाँ से कहाँ चल जाएगा? a टू b में, और हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन से समझिए, इफ द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज 0 to 3, देन फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस 2x माइनस 1, क्या होगा? तो x का रेंज कहां से कहां है? 0 से 3 के बीच। यहां x का रोल कौन प्ले कर रहा है? मॉड ऑफ 2x माइनस 1, तो ये आना चाहिए 0 से 3 के बीच, तो इसको 0 से लेकर 3 के बीच। मॉडुलस तो इस एंड को देखें तो इस एंड का सोल्यूशन तो हमेशा रियल नंबर आएगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा जीरो से बड़ा ही होता है और इक्वल। इस एंड को सॉल्व करना है तो ये कहता है कि मॉड ऑफ 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो इसको ऐसा समझो कि अगर मॉड लेस देन इक्वल टू 5 रहे तो ये सॉल्यूशन आता है माइनस 5 से लेकर 5 के बीच,
तो यहाँ भी वही होगा, ये आ जाएगा माइनस थ्री से ले, ये वाला 2x-1 माइनस थ्री से लेकर थ्री के बीच, एक जोड़ दो तो माइनस टू से टू फोर के बीच, दो से डिवाइड कर दो तो माइनस वन से टू के बीच, सो एक्स वुड बी एलिमेंट ऑफ माइनस वन टू टू। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का, तो डोमेन के लिए और रेंज के साथ साथ हम लोग डोमेन पर भी डिस्कशन करेंगे, बट अभी आप लोग डोमेन के लिए जितना जानना था उतना जान चुके हैं, सो डोमेन का थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंज पे जाएंगे।